तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, गर्ल्स पावर ऑन डॉटर्स डे। भाई सॉलिड, पहले तो मैं कहूंगा ये जो पोस्टर निकाला है कल की जो फाइनल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ, सॉलिड है, अमेजिंग है। गर्ल्स पावर को इम्पोर्टेंस दे के जो हाई प्रायोरिटी दे रखी है वुमेन पावर को, भाई सॉलिड है। और ये होना भी चाहिए, ऐसे बढ़ावा मिलना भी चाहिए हमारी सोसाइटी में वुमेन्स को और गर्ल्स को। हालांकि ये कमज़ोर नहीं है, बट ऐसे मौके पर ये चीज़ बहुत ही सॉलिड, बहुत ही अच्छा सेंस बना रही है और बहुत ही अच्छा कॉम्बो देखने को मिल रहा है। क्योंकि एक तरफ जवान की अचीवमेंट्स हो रही है, जवान की सक्सेस हो रही है, जवान का रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस हो रहा है, तो उसी के साथ साइमल्टेनियसली हमारी ये गर्ल्स पावर को भी अच्छा खासा एक यूनिकनेस दे रहे हैं, एक इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो ये बहुत ही प्यारा कॉम्बो लगा, मुझे तो बहुत प्यारा लगा भाई साहब। तो अभी बात करते हैं, अभी फाइनल 17th डे की ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की फाइनल रिपोर्ट आ चुकी है मेकर्स की तरफ से। तो कल कैसी क्या ग्रोथ रही, थर्ड सैटरडे में कितनी क्या बूस्ट मारा है इसने ऑफिशियली, अब ये सारे आंकड़े हमारे पास आ चुके हैं। हिंदी से कितनी कमाई करी, तमिल तेलुगु से कितनी कमाई करी, ओवरसीज से कितनी कमाई करी, पहले 17 दिन में ये मूवी ने कितनी कमाई कर ली है और कितने रिकॉर्ड से तोड़ चुकी है, क्या पठान के रिकॉर्ड, सब जानेंगे बस कुछ ही देर में एक एक करके डिटेल टू डिटेल। तो वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो हिंदी से कल आया है, कल ओवरऑल डे में 11.50 करोड़ सिर्फ हिंदी से आया है। हाँ, ग्रोथ कम देखने को मिली, डिप देखने को मिला, ये चीज मैं 2-3 वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ। वो इसलिए भी मिला क्योंकि गदर 2 अभी भी जबरदस्त चल रही है और विकी कौशल की द ग्रेट इंडियन फैमिली ने काफी सोच खा लिए हैं। तो ये दोनों मूवी जबरदस्त टक्कर दे रही हैं जवान को, हालांकि जवान इनको भी खदेड़ने की पूरी तैयारी के साथ कोशिश कर रही है, क्योंकि गदर 2 से अच्छा खासा कलेक्शन देखने को मिल रहा है जवान का और द ग्रेट इंडियन फैमिली से भी अच्छा खासा कलेक्शन देखने को मिल रहा है जवान का। हालांकि 17 दिन पुरानी मूवी है और जबकि अभी ओपनिंग चल रही है, द ग्रेट इंडियन फैमिली की ओपनिंग चल रही है, क्योंकि 22 सितंबर परसों को ही ये मूवी रिलीज हुई है। उसके बाद भी ये मूवी जवान आज भी अपने 17वें दिन तक, 18वें दिन तक बहुत अच्छी ग्रोथ करते नजर आ रही है एक ताजी फिल्म के मुकाबले। तो दोस्तों, सिर्फ हिंदी से 11.50 करोड़ का कलेक्शन आया, तमिल तेलुगु से 75 लाख का कलेक्शन आया और टोटल नेट इंडियन कलेक्शन पूरा आया है 12.25 करोड़। और पूरी दुनिया से कल आया है 25 करोड़। बाय गॉड, अच्छी खासी कलेक्शन है। देखा जाए तो दो फिल्में एक साथ चल रही हैं, कंपटीशन में दो फिल्में चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ओवरसीज से अच्छी कलेक्शन आई, पूरी दुनिया से 25 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन आया है। जबकि बॉलीवुड की ओपनिंग फिल्मों के लिए यह कलेक्शन कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है एक बार के लिए। तो सिर्फ हिंदी से अभी पहले 17 दिन में मूवी कितनी कमाई कर चुकी है, 492 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन ये मूवी कर चुकी है सिर्फ हिंदी से। और तमिल तेलुगु से हो गया है पहले 17 दिन में अब 56 करोड़ का कलेक्शन, और टोटल नेट इंडियन कलेक्शन ये मूवी कितना कर चुकी है पहले 17 दिन में, 548 करोड़। भाई साहब, रिकॉर्ड तोड़ दिया, किसका, पठान मूवी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, खुद SRK ने अपनी फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जो पठान की नेट इंडियन की लाइफ टाइम कलेक्शन थी 543 करोड़, उसको बीट डाउन कर दिया मात्र 17 दिन के अंदर ही 548 करोड़ का कलेक्शन करके। और अभी तो ये आंकड़ा और आना बाकी है, क्योंकि अभी ये मूवी मैं मान के चल रहा हूँ 30 दिन तक लगातार चलेगी ही चलेगी थिएटर में, और अभी अगर 13 दिन और चल जाती है तो ये टोटल नेट इंडियन कलेक्शन 600 करोड़ टच कर जाएगी और क्रॉस भी कर सकती है। तो सिर्फ नेट इंडिया से 600 करोड़ कमाना किसी भी मूवी के लिए इतनी छोटी बात नहीं है, हालांकि जवान के लिए भी नहीं है, लेकिन जवान में वो पोटेंशियल है और ये करके दिखाएगी और ऐसा रिकॉर्ड सेट करके जाएगी कि आगे जाकर कोई भी बड़ी से बड़ी मूवी भी इसे हिला पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। Tiger 3 मैं कह सकता हूँ कि ये कर सकती है, सालार कर सकती है एक बार के लिए, ये इन दोनों मूवी में पोटेंशियल है कि ये 600 करोड़ टच कर जाएंगे और क्रॉस भी कर जाएंगे, लेकिन जवान डेफिनेटली टोटल नेट इंडियन कलेक्शन 600 करोड़ टच करके ही जाएगी। तो इसी के साथ पूरी दुनिया से कल आया है कितना कलेक्शन, 25 करोड़, और पूरी दुनिया से पहले 17 दिन में मूवी ने कलेक्ट कर लिया है 979 करोड़, इट मींस 979 करोड़ का जबरदस्त आंकड़ा, मार्वलस आंकड़ा ये अपने खाते में ले चुकी है। मात्र 1 करोड़ कम रहेगी 980 करोड़ होने से, लेकिन आज संडे है
और आज संडे एंड ऑफ द डे तक ये मूवी 1000 करोड़ क्रॉस कर ही जाएगी, क्योंकि 21 करोड़ लाना है और आज संडे है, बूस्टर डे है, तो 21 करोड़ ला पाना क्या जवान के लिए कठिन बात है? बिल्कुल कठिन बात नहीं। जब सैटरडे में 25 करोड़ आ सकता है तो आज संडे में 21 करोड़ तो आ ही सकता है, कम से कम अगर आंकड़ा मैं लूँ तो। लेकिन ऐसा नहीं है, 25 करोड़ से आसपास ही आना है आंकड़ा और 1000 करोड़ से ऊपर ही जाएगी ये मूवी, आज डेफिनेटली जाएगी। तो आज दो रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड तो ये तोड़ चुकी है, आज दो रिकॉर्ड शानदार अपने नाम करके जा रही है, जाएगी, क्योंकि 1000 करोड़ निकल जाएगी, उसके बाद 500 करोड़ सिर्फ हिंदी से निकल जाएगी, क्योंकि 492 करोड़ पहले 17 दिन मतलब कल तक एंड ऑफ द डे तक 492 करोड़ हो चुका था, और क्या हिंदी से 8 करोड़ नहीं ला पाएगी, ईजिली ले आएगी। कल जबकि 11 करोड़ लेके आई है तो आज तो 10 करोड़ मिनिमम लेके ही लेके आना है। तो आज दो रिकॉर्ड ये अपने नाम करके जाएगी, पहला 18 दिन में ही 500 करोड़ सिर्फ हिंदी से, और 18 दिन में ही पूरी दुनिया से 1000 करोड़। भाई मज़ा आ जाएगा अगर ये नंबर हमें देखने को मिल जाएंगे कल तो। जब कल का जो पोस्टर आने वाला है ना, सॉलिड आने वाला है, ज़बरदस्त आने वाला है, फुल ऑफ ग्लोरी के साथ आने वाला है, एकदम फुल सेलिब्रेशन के साथ। तो अभी आप लोगों का क्या कहना है कि मूवी अब लाइफ टाइम कलेक्शन कितना कर पाएगी? मैं मान के चल रहा हूँ 1200 करोड़ टच करने ही करने वाली है ये मूवी, मे बी एक बार के लिए KGF 2 के लाइफ टाइम कलेक्शन को भी ये खदेड़ जाए। तो आप लोगों का क्या कहना है, क्या KGF 2 के लाइफ टाइम कलेक्शन को ये मूवी खदेड़ जाएगी पूरी दुनिया से कलेक्शन के मामले में, और क्या 1200 करोड़ या फिर 1200 करोड़ टच कर जाएगी? जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड साउथ फिल्मों के अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे जुड़े रहना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।